हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन बच्चा ये जानना चाहता है कि किसको स्मार्ट वॉच मिली है गिफ्ट में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं वो आपको दिखाऊंगा कि किस बच्चे को मिली है। तो जो बच्चा इस वीडियो को पूरी देखेगा उसे पता लग जाएगा कि स्मार्ट वॉच किसको मिली है। और देखो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट आपको जो व्लॉग आ रहा है उसमें आपको क्या गिफ्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पसंद मुझे बताओ, जो जो आपकी चॉइस है। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करिए, उसी हिसाब से मैं उस व्लॉग में गिफ्ट लाने वाला हूँ। क्योंकि बच्चे, व्लॉग पूरा कम्प्लीट है, उसमें बस गिफ्ट मुझे ऐड करना है। ठीक है, मुझे गिफ्ट की वीडियो डालनी है बस उसी में, ताकि जैसे ही बच्चे मुझे बताएंगे सर ये गिफ्ट प्लीज़ उस वीडियो में लेके आइए, तो मैं वही गिफ्ट को उस वीडियो में लेके आऊँगा। और सभी बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और मेरी वीडियोज़ देखते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, कम से कम मैंने चेक किया 60% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पर वीडियोस देखते हैं। ठीक है, वर्सटाइल मेडिकल साइंस इस वाले चैनल को और सुजीत सिंह चैनल को, दोनों चैनल में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं 60% जो वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक अपना लिखोगे प्राणियों में पोषण, फिर आप लिखोगे स्वाद कलिकाएँ जीभ। इसमें हम बच्चों जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे क्या क्या स्वाद होते हैं और क्या क्या किस किस पोर्शन से हम क्या क्या स्वाद ले सकते हैं, खट्टा मीठा किस तरफ से। ठीक है, देखो जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। ठीक है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT नीट CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नव ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। अंदर तल से जुड़ी होती है, यह अग्रभाग सामने से स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप लोगों को पता होगा आप जीभ बच्चों किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। जीभ के कार्य, बोलने के अलावा जीभ के अन्य कार्य भी होते हैं। एक, यह भोजन के लार को मिलाने का कार्य करती है, और वैसे बच्चों इसमें से लार निकलती है जो आपके भोजन के साथ मिलती है, तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है, निगलने में भी सहायता करती है। इस पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, स्वाद आपको किससे पता लगता है, जीभ से ही। अब देखो, खट्टा आपको इस पोर्शन से पता लगता है, नमकीन आपको इस पोर्शन से पता लगता है, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका मीठा होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सपेंड करके दिखाया, मीठा आपका कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका मीठा हो गया, फिर आपका खट्टा कहाँ पे बच्चों, ये साइड साइड में, ये आपका क्या हो गया, खट्टे वाला पोर्शन हो गया जहाँ से आपके खट्टे का पता, फिर ये आपका बच्चों नमकीन हो गया जहाँ से आपको नमकीन का पता चलता है, पर नमक वाली चीज़ों का, और ये आपका होगा कड़वा, इस एरिया से आपको कड़वे का पता चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर खट्टा यहाँ पे रखोगे तो यहीं पता चलेगा, बस ये है इसके जो मतलब फील करने वाले जो छोटे 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 पिगमेंट जो भी कह लो आप होते हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, पर फील आप पूरी जीभ में कहीं पर भी कर सकते हो। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिक्त स्थान को भरना है, जीभ एक मांसल, ठीक है, क्या बताना है आपको, जीभ एक मांसल डैश है जो पीछे की ओर क्या होती है बच्चों, पीछे की ओर डैश के अधर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए, जीभ एक मांसल क्या थी, कौन सी अंग थी बच्चों, हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, मांसल पेशी है, मांसल पेशी अंग है, पेशी अंग है। ठीक है, जो पीछे की ओर मुख, मुख के बाद क्या आ जाएगा, गुहिका, मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। फर्स्ट ये हो गया आपका। ठीक है, जीभ के उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां मीठा कड़वा का स्वाद का पता लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, आपका मीठा बिल्कुल कहां से पता लगता है, बिल्कुल आगे की तरफ से, कहां से बच्चों, बिल्कुल आगे की तरफ से। ठीक है, इसमें आप लिख दोगे आंसर, यही लिख देता हूं मैं, आगे की तरफ। ठीक है, और बच्चों आप क्या करोगे इसमें, यह डायग्राम बना लोगे सभी बच्चे, ये वाला। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, किसमें,
फर्स्ट में, सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है सभी बच्चे, ये पूरा डायग्राम बना लेंगे सेकंड के फर्स्ट में। ठीक है अब देखिए, फिर आपको क्या करना है, सेकंड कड़वे की स्वाद का पता आप लिखोगे इसमें पीछे की तरफ से। ठीक है कहां से आपको पता लगता है, पीछे की तरफ से, इसमें आप ये वाला डायग्राम बना लोगे। ठीक है बी में, किसमें बना आपको, क्वेश्चन नंबर टू के बी में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है बच्चों अब चलते हैं आगे। कल्पना कीजिए कि हमारे मुख में जीभ नहीं होती तो आप कैसा अनुभव करते, इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो आप लिखोगे आंसर नंबर तीन, बिना जीभ के हम बोल नहीं सकते और किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, ना तो हम बोल सकते और ना ही किसी चीज का स्वाद ले सकते। तो ये थे आपके 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि मेरा जो सुजीत सिंह वाला चैनल है उसे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जैसे ही व्लॉग की वीडियो डाले आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है बच्चों अब देखो इस वीडियो को मैं चला देता हूँ जिसमें स्मार्ट वॉच मिली है किसको, प्रयागराज स्टूडेंट नाम है उसका, उसे स्मार्ट वॉच मिली है। उसमें बच्चों फीचर देखोगे आप क्या क्या, बहुत सारे फीचर हैं, स्पोर्ट्स मोड है उसमें, म्यूजिक है उसमें, आपका उसमें आपका हार्ट बीट का है, उसमें आपका बीपी का, उसमें आपका बच्चों बहुत सारे मोड है। मैं आपको वीडियो दिखा दूँ तो सभी बच्चे उस वीडियो को देखिए और आप लोग भी उस गिफ्ट को जीत सकते हैं। तो इसलिए सुजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरे व्लॉग में। हेलो गाइस, जो अच्छी तरफ से जो मैं विनर बना था उसके गिफ्ट आ चुका है। देखो अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। ये रही हमारी घड़ी और ये पर्ची है। ये घड़ी हमारी और ये बैंडेज का और ये डाटा केबल। ये मैंने घड़ी चार्ज ली थी, अभी चार्ज किए, अब देखो इसे चालू करता हूँ। ये देखो इसमें स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स मैदान है, स्किप है, स्टप है, मैसेज मोड में कैमरा, लुकिंग फॉर म्यूजिक, वेदर एंड रीसेट। और अगर इसे फ़ोन से कनेक्ट करना है तो स्कैनर है, इसे स्कैन करके हम इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं।